आता हूं। एक तरफ हिंदुस्तान एक होके एक आवाज के साथ सब मिलकर खड़ा हुआ। कोई कहता है सेना ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है नेवी ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है एयरफोर्स ने लड़ाई जितवाई। नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर जात ने, हर धर्म में एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया। लाखों परिवारों ने अपने घर से सोना हिंदुस्तान की सरकार को दिया। बिना बहाने, बिना एक शब्द, बिना मांगे लाखों लोगों ने अपना सोना, घर का सोना सरकार को दे दिया। और यहां स्टेज पे हमारी लीडरशिप बैठी है, जो सेना और बॉर्डर पे जाके लड़े, इन्होंने भी ऐतिहासिक काम किया। मगर भाइयों और बहनों, भूलिए मत, अगर हिंदुस्तान बटा होता, अगर हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते, तो 13 दिन में जीत नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, 13 दिन में जीत क्यों हुई? क्योंकि भाई और बहनों, पाकिस्तान बटा हुआ था, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी, पाकिस्तान कमजोर था। यह सबसे जरूरी लेसन है। जब हिंदुस्तान एक होकर खड़ा होता है, एक आवाज से बोलता है, तो अमेरिका की 7th फ्लीट घूमकर वापस चली जाती है। कोई खड़ा नहीं हो सकता इस देश के सामने। अगर यह देश एक साथ मिलकर एक आवाज के साथ बोलता है, कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। भाई और बहनों, दुख की बात क्या है, आज देश को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है। और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। तीन बिल, काले कानून, किसानों के खिलाफ, उनकी मदद करने के नहीं, उनको खत्म करने के लिए बनाए गए। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। एक साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। और फिर माफी मांगने के बाद जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बारे में बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ।
एक किसान की मृत्यु नहीं हुई। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कंपनसेशन दिया। मैंने लिस्ट निकाल कर पार्लियामेंट में रख दी, कहा ये देखो ये है पंजाब के 400 किसान, हरियाणा के 70 किसान, इनको आप कंपनसेशन दीजिए। कंपनसेशन तक नहीं दी। किसके लिए काम किया जा रहा था भाइयों और बहनों? ये गलती नहीं थी, ये साजिश थी। किसके लिए किया जा रहा था? दो उद्योगपतियों के लिए, दो तीन उद्योगपतियों के लिए। हिंदुस्तान के हर एक किसान की आमदनी की मेहनत उनसे छीनी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, किसान खड़े हुए, बाकी विपक्ष के लोग खड़े हुए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। अब सुनिए, ठहरिए ठहरिए, देखिए, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद कोरोना के समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को टैक्स माफ, मगर मजदूरों को बस या ट्रेन का टिकट नहीं दिया। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है भाइयों और बहनों? चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो, चाहे कोरोना में जो सरकार ने एक्शन लिए वो हो, ये तीनों काम हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े दो तीन पूंजीपति का आक्रमण है। यहां से लोगों का प्लान होता है, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में आपको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यह सवाल आपको पूछना है। इसका कारण है, कारण यह है कि जो आपको रोजगार दे सकते हैं छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, दुकानदार, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, ये हथियार हैं भाई और बहनों, ये पूंजीपति के हथियार हैं। नरेंद्र मोदी जी इंप्लीमेंटर हैं, वो उनका है। और आप देख लेना, जब तक दिल्ली से बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जाएगा, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज और स्मॉल साइज बिजनेसेस बंद होते जाएंगे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, माइंस, सब का सब उन्हीं तीन चार लोगों के हाथ में जाता जाएगा। और आप लिख के ले लो, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। तो एक तरफ आप देश को बांटते हो, और दूसरी तरफ जो देश की आर्थिक शक्ति है, उसको आप नष्ट करते हो। भाइयों और बहनों, ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, गलत फहमी में मत रहिए। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज,
तोप से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है, जब देश की जनता बिना डरे, बिना झिझके, बिना घबराए काम कर सकती है, जब देश की आवाज देश में चारों तरफ आसानी से बिना डरे बोल सकती है, तब देश मजबूत होता है। भाइयों और बहनों, बांग्लादेश लड़ाई के समय देश मजबूत था, हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत थे, सेना और सरकार के बीच में जबरदस्त रिश्ता था, सरकार सेना की सुनती थी, सेना सरकार की सुनती थी, एक दूसरे का आदर करती थी, कम्युनिकेशन था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसीलिए पाकिस्तान को 13 दिन में हराया। आज वो हालत नहीं है। हमारे मीडिया वाले कुछ भी कह लें, राफेल हवाई जहाज के जितनी भी फोटो दिखा दें, भाइयों और बहनों, हवाई जहाजों से ये कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं, जो आपने सहा है हमने सहा है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं, मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए, रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। और आप बोल रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर देखिए आपने इंदिरा जी का नाम लिया। आज फंक्शन हुआ है बांग्लादेश लड़ाई का, फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है, इनविटेशन में नाम तक नहीं है। क्योंकि सच्चाई से भाइयों और बहनों, सरकार डरती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम हो या ना हो, मैं जानता हूं इंदिरा गांधी जी ने इस देश को अपना खून देकर क्या किया, मैं जानता हूं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। चुनाव है, मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आपके लोग यहां से प्लान करते हैं,
बाकी प्रदेशों में जाते हैं। और आपकी दूसरी मुश्किल, दूसरी कठिनाई, महंगाई। महंगाई के बारे में दो दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं, हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। रोज आप याद रखिए, आज जब आप जाएंगे स्कूटर में, गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, तो आप याद रखना, जो आपके जेब में से पैसा निकल रहा है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में सीधा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो 2-3 अरबपति नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपके जेब में से पैसा निकलता है पेट्रोल पंप में, सीधा वो पेट्रोल पंप से इनके जेब में जाता है और ये नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। आपने देखा होगा गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। बस एक व्यक्ति। और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो, राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। चलिए, रोजगार उत्तराखंड में जब आएगा, जब छोटे और मिडिल साइज बिजनेस वालों की मदद होगी, रोजगार जब आएगा, जब किसानों की रक्षा होगी और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का फायदा दिलवाया दिया जाएगा, 2-3 पूंजीपति को पूरा का पूरा धन देने से उत्तराखंड आगे नहीं जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी, कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए बनाए जाएंगे, 2-3 पूंजीपति के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सरकार पूरी सहायता देगी और एक बार फिर आपके इस प्रदेश में रोजगार पैदा होना शुरू होगा। आप सब आए, दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।